फाइनली बच्चों की तबियत खराब थी ना, तो अब नेबुलाइज मिल नहीं रहा था, पता नहीं कहां बोले में पड़ा हुआ था, तो अभी नेबुलाइज की मशीन हमने ढूंढी, तो फिर बच्चों को करते नेबुलाइज। और एटम से करती हूं मैं, क्योंकि बच्चों का सीना बहुत ज्यादा खराब है, तो मैंने एटम मंगवाया, इससे ना फौरन से आराम आ जाता है। तो अब नेबुलाइज करते हैं बच्चों को। ये देखिए दोनों बैठे हैं माशाल्लाह इंतजार में, किसको करवाना है नेबुलाइज, किसको करवाना है नेबुलाइज, करवाना है नेबुलाइज। तो देखिए व्यूअर्स कितनी खांसी हो रही है बच्चों को, तो करते हैं स्टार्ट नेबुलाइज करते हैं बच्चों को। चलो ना बारी बारी, भाई कर ले फिर। देखिए मेरा टिड्डा सा काका कब से लड़ाइयां कर रहा है असद से, छीन रहा है नेबुलाइज, बोल रहा है मुझे करवाओ मुझे करवाओ। पिद्दी नेबुलाइज करवा रहे, पिद्दी नेबुलाइज करवा रहे। ये देखिए व्यूअर्स नेबुलाइज करवा के खुश हो गए। नेबुलाइज करवाया आपने, नेबुलाइज करवाया हाँ, नेबुलाइज करवाया बच्चे, बोलो हाय हाय। अरे माशाल्लाह बेटा हाय करता है, सलाम अलैकुम कर दो, अस्सलाम अलैकुम। क्या कर रहे हो मम्मा के मेकअप का सामान छेड़ रहे हो, क्या कर रहे हो बिल्ली, इधर देखो उई अल्लाह, देखे क्या कर दिया बिट्टे ने, क्या कर दिया बता सर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट, मॉर्निंग से गुड मॉर्निंग, मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और जस्ट मैं भी फ्रेश हुई हूँ, और मेरे बच्चे तो सुबह ही उठ चुके थे, मेरे दोनों बच्चे सुबह उठ चुके थे और दोनों ने नाश्ता भी कर लिया, और मैं भी अपने लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ, मुझे भूख लग रही है, और मैं अपने लिए पराठा, आज मेरा पराठा खाने का मूड है, तो थोड़ा थोड़ा पराठा खाने का मूड है, तो मैं खा लूंगी, बच्चे भी खा लेंगे। और जी क्या क्या, तो मैं व्लॉग शूट कर रही थी, मुझे अहमद बोला माँ उठाओ उठाओ माँ उठाओ, तो मैंने उठा लिया, तो जस्ट मैं नाश्ता बनाती हूँ और फिर आप लोगों को भी दिखाती हूँ पराठा, मैं बल वाले पराठा कैसे बनाती हूँ। नहीं नहीं आज मूड नहीं बल वाला, देखती हूँ कौन सा बनाती हूँ, चकोर पराठा बनाती हूँ, बल वाला बनाती हूँ, या कौन सा बनाती हूँ, बट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और आज भी मैं पूरे दिन की रूटीन शेयर करूँगी, तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और जो इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चलते हैं किचन की तरफ, अल्ले आराम से बच्चे, मेरे बच्चे नाच रहे, तो तवा मैंने रख दिया था, नहीं करो नहीं करो नहीं करो, नहीं लड़ाई करो ए बच्चों, नहीं लड़ो अल्लाह इनकी लड़ाई। बस ये है एक पेड़ा और एक ही पराठा बना रही हूँ, क्योंकि ज्यादा नहीं खाया जाएगा, थोड़ा दो तीन नवाली खाऊंगी, इसके बाद ये है तवा और इसके बाद बनाते हैं पराठा और फिर चटनी। तो व्यूअर्स मैंने ऐसे गोल सादा सा पराठा बना लिया, मैंने कहा इतनी देर लग जाएगी तो 5 मिनट और वेस्ट हो जाएंगे, तो मैंने कहा सादा ही पराठा बना लूं, तो पराठा बनते तो नाश्ते भी मिलते हैं। मेरे शहजादे शेर मुझे बोल रहे हैं यहाँ बिठाओ, ये भी कह रहे हैं मुझे यहाँ बिठाओ, दोनों मेरे जो ना माशाल्लाह से मेरे बब्बन शेर दोनों बोल रहे हैं मुझे यहाँ बिठाओ, कह रहे हैं मुझे यहाँ बिठाओ, तो हम नाश्ता बनाते हैं फिर नाश्ता करते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। कप्पा दो एक पराठा कम ना कर, मैंने कहा एक और ही बनवा लूँ, ऐसे करते करते मेरे दो पराठे हो गए, पराठा रेडी और खाने के लिए भी रेडी है बच्चे, कल वाला जो सालन है थोड़ा सा बचा हुआ था, मैंने कहा चलो उसी से खा ले दोपहर में, चिकन खाओ। फूंक मार रहे हो, शाबाश मेरा बच्चा। तो व्यूअर्स नाश्ता मेरा बन गया और मैं अभी दस्तरखान पे बैठी हुई हूँ, नाश्ता करने बैठी हुई हूँ, तो नाश्ता वाश्ता करती हूँ, उसके बाद जो ना आज शुक्र है बच्चों के कपड़े धोने की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि बच्चों के जो भी कपड़े वगैरह हुए थे ना तो वो मैं रात को धो चुकी थी डाल चुकी थी, तो मैंने कहा तो दिन में मुश्किल हो जाती है फिर बच्चों के कपड़ों के लिए, तो मैंने रात को सारा अपना जो भी था काम बच्चों के कपड़े वपड़े थे तो वो सब कुछ मैं वॉश करके मैंने ऊपर छत पे डाल दिया था, तो अभी तो धूप स्टार्ट हो गई है सुबह 8 बजे से, तो जब तक 12-1 बजेंगे तो मेरे बच्चों के सारे कपड़े ड्राई हो जाएंगे, तो उस वक्त बच्चे भी नाश्ता कर रहे हैं, उनको नाश्ता भी करवाती हूँ और खुद भी नाश्ता करती हूँ, और उसके बाद पूरे दिन की रूटीन शेयर करूँगी, तो पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा वीडियो को। तो व्यूअर्स खाना मैंने नाश्ता हो गया, अब मैं करती हूँ घर का काम स्टार्ट, और इस टाइम पे 12:20 हो चुके हैं, नहीं नहीं 11:20 हुए, 11:20 का टाइम हो रहा है और काम अभी स्टार्ट करती हूँ, अभी तक तो मैंने कोई काम भी नहीं किया था,
क्योंकि बच्चों में लगी हुई थी, बच्चे मेरे खेल रहे हैं माशाल्लाह से, और मैं भी घर का काम वाम करती हूँ और सफाई करती हूँ और बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो व्लॉग को पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। बस आज हो रही है किचन की सफाई, क्योंकि ना ये जो दीवारें थी ना, मेरे को बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी, तो मैंने चूल्हा वूल्हा साफ़ कर लिया, तो मैंने कहा स्लिप भी साफ़ कर लूँ तो आप लोगों को भी दिखा दूँ, तो ये सारी चीज़ें हटा के मैंने कहा क्यों ना सफाई कर लूँ, और माइक्रोवेव भी थोड़ा सा गंदा हो रहा तो मैं क्लीन करती हूँ, क्लीन करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, सफाई वगैरह मेरी हो चुकी है, पूरा घर मेरा क्लीन हो चुका है, एंड जस्ट अब खाने की तरफ आते हैं, रेसिपी की तरफ आते हैं, खाना क्या बनाना है। और ये देखें पूरा घर मेरा माशाल्लाह क्लीन हो गया, चमक रहा है बिल्कुल, बर्तन भी वॉश हो गए, सफाई भी हो गई है, और बच्चे खेल रहे हैं। और इसके अलावा मैं दिखाती हूँ आप लोग को बैक कैमरा करके, तो पूरा घर मेरा क्लीन हो गया है और सबसे बड़ी टेंशन ख़त्म हो गई, वॉशिंग बर्तन वगैरह सब कुछ वॉश हो गया है, और बड़ा अच्छा लग रहा है किचन, बड़ा प्यारा सा लग रहा है, साफ सुथरा सा। और ये जो सामने वाली दीवार है ना, ये जब गंदी हो जाती है ना तो फिर बड़ा बुरा लग रहा होता है, तो मैंने ये सारा साफ कर दिया। ये देखिए तो ये लेते हैं शारजा ऑयल, हम लोग ना यही शारजा ऑयल यूज़ करते हैं, बड़ा अच्छा है, और जैसे लेके आए थे जैसे लेते और ना डिस्काउंट भी मिला था, 5 किलो का कैन लेके आए थे, बहुत अच्छा ऑयल है, यूज़ कीजिएगा। तो दिखाते हैं पर सीन कुछ ऐसा है, गैस का तो कोई तेज होने का कोई नाम और निशान नहीं है, तो फिर सिलेंडर में मैंने कहा सिलेंडर में ही सालन सिलेंडर में ही बना लूँ, तो मसाला तो मेरा अच्छे से भुन गया, उसके अंदर जितना हमें शोरबा रखना है वो ऐड कर देंगे, बस इतना सा था और गैस की वजह से इतनी देर हो गई है। तो वीबर्स, ये आज असद की दूसरी डोज है नेबुलाइज की, तो नेबुलाइज करवा रही हूँ, और अहमद सोया हुआ है, देखे नौटंकी आंखें बंद कर रहा ए तेरी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वीबर्स अभी 4:35 हो रहे हैं और मैं अभी भी फ्री हुई हूँ, तो नेबुलाइज करवा रही हूँ, खाना तो मैंने अभी तक नहीं खाया, तो अभी मैं खाना खाती हूँ, भूख भी लग रही है, और खाना वगैरह तो बन चुका था, और फाइनल लुक भी दिखाया, फाइनल लुक मैं भी दिखाती हूँ, खाने जाऊँगी तो मैं फाइनल लुक भी दिखाऊंगी, और बच्चों को फ्रेश कर दिया, बच्चे फ्रेश होंगे तो अहमद सो गया है, और अभी अहमद उसकी बारी है, सबकी बारी है, बस सोएगा, नेबुलाइज करने के बाद सो भी सुला दूंगी, ताकि जो ना थोड़ा सा मतलब दिमाग फ्रेश हो जाए, क्योंकि बच्चे सारा दिन खेलते रहते हैं तो फिर थक जाते हैं, तो दोपहर में थोड़ी देर बच्चों को नींद लानी चाहिए ताकि बच्चे फ्रेश हो जाए, तो बच्चे तो सो रहे हैं, तो फिर मैं जो ना आपको खाना वाना खाती हूँ, फिर आपको साथ वो वीडियो शेयर करती हूँ खाने वाली वीडियो। तो खाने में तो आज वो बने आलू और बाजू, चिकन के बाजू होते हैं, वो बनाए मैंने, बस सारा काम मेरा हो गया है, लेकिन अभी भी थोड़े से कपड़े हैं बच्चों को, वो वॉश करने हैं, तो वो भी वॉश करती हूँ, और जो भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम है, तो फिर सारे काम करने के बाद फिर मुझे वीडियो अपलोड करने की टेंशन होती है, 1-1.5 घंटा तो मेरा एक वीडियो अपलोड करने में लग जाता है, तो फिर खाना खाने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। वेलकम बैक। तो गाइस, बच्चे सो गए हैं और ड्रेस वगैरह करवा दिए, बच्चे सो गए, जस्ट मैं थोड़ी सी रेडी हूँ अभी सुबह से, तो बस काम ही काम काम ही काम, तो मैंने कहा चलो थोड़ा फेस तो वॉश कर लूँ, तो फ्रेश हो गई हूँ, तो मैंने कहा खाना खा लेती हूँ, पहले भूख लग रही है, बड़ी ज़ोरों वाली भूख लग रही है,
और खाना निकालती हूँ मैं। और ये है सालन का फाइनल लुक, और बच्चों ने भी खा लिया, बाबा ने भी खा लिया, अब मेरी बारी, अब मैं खाना खाती हूँ। तो ये है राइस और ये सालन, तो मैं खाना खाती हूँ, खाना खा के मिलती हूँ। तो अभी बस फाइनली खाना भी मैंने खा लिया, और अभी मुझे भी थोड़ी सी नींद आ रही है क्योंकि थक जाती हूँ बहुत, रात को देर से सोती हूँ, नींद नहीं आती पूरी रात। तो बच्चों के साथ 12-1 बजे तक लगी हुई थी, उसके बाद बस वीडियो वगैरह अपलोड करनी होती है, तो फिर इसी तरह थोड़ा कुछ ना कुछ काम चलता रहता है घर का, तो फिर इसी तरह। वैसे जब से मेरी शादी हुई है ना, जब से आदत पड़ गई है मुझे देर देर से सोने की। ससुराल में होती थी ना, जब भी यही होता था, रात को 2 बज जाते थे, 3 बज जाते थे, तो आदत पड़ गई अभी रात को, रातों को नींद नहीं आती। 3 बजे के बाद फिर बहुत ज़्यादा नींद आती है, 3 बजे तक नींद नहीं आती, शुरू से जो आदत बनी हुई, क्योंकि बच्चे छोटे होते थे, फिर इस तरह करते करते बच्चों में इंसान वो होता है कि जैसे रात में उठो और फिर बच्चे रोते हैं फीडर बना के, तो फिर इस तरह इंसान को ना आदत पड़ जाती है थोड़ी सी, मेरी भी इस तरह आदत बन गई है। और जो लोग मुझे बैड कॉमेंट्स कर रहे हैं, उनको तो शर्म आनी चाहिए कि उनकी सोच है ही घटिया, बहुत घटिया सोच है उनकी। तो मैं कुछ नहीं कर सकती, जो करना है करें, कुछ भी करना है करें, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको तो खौफ नहीं है बिल्कुल, घर खराब हो गया आपकी वजह से, आपकी हरकतों की वजह से घर टूट गया है, बच्चों की ज़िंदगियां घर बर्बाद हो गई है, बच्चे दर बदर हो गए, लेकिन आपको तो बिल्कुल भी आपके अंदर इंसानियत नहीं है। मैं सही कहती थी आपके अंदर इंसानियत नहीं है, वाकई में आपके अंदर नहीं है इंसानियत। इंसान ऐसे नहीं होते, मुकाबला मुकाबला शुरू से मुकाबला करते हैं आप मेरे साथ, शुरू से पहले दिन से आपने मेरे साथ मुकाबला स्टार्ट किया है, पहले दिन से, जिस दिन मेरी शादी होकर गई थी ना उस घर में, उस दिन से मुकाबला ही मुकाबला। तो कोई बात नहीं, जो कर सकते हैं करें, जिस हद तक जा सकते हैं, फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, अल्लाह की लाठी आप पे इतनी पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी नहीं आप सुधरते हैं, आप नहीं सुधरेंगे, ये दुनिया पलट जाएगी लेकिन आप नहीं सुधरेंगे। आप सुधरने वाले होते तो बहुत पहले सुधरते, लेकिन नहीं सुधरेंगे। उस दिन मुझे बोल रहे हैं कि मुझे, मैं जलील हुई हूँ, तो उस दिन वो क्या था जब जज साहिबा ने कहा था, तुम तो भाई दिन रात ऐसे लगता है तुम दिन रात नशा करते हो, वो क्या था वो किस चीज़ की जलालत थी? हाँ, वो तो जलालत नहीं थी, वो तो तारीफ़ें थी कि तुम्हारी तो शक्ल सी ऐसे लगता है कि तुम नशाई हो, वो तो जलालत थी ही नहीं। मुझे तो इतना कहा गया है कि बच्चे माँ के भी हैं, बच्चे बाप के भी हैं, 4 दिन आपके पास होंगे, 3 दिन अपने फादर के पास होंगे, तो उसमें जलालत वाली तो कोई बात मुझे नहीं नज़र आती। लेकिन इससे पहले वाले केस में मुझे जलालत वाली बात नज़र आती है कि दिन रात जो नशा करते हो, तो वो मुझे लगती है जलालत वाली बात। और जब उन्होंने कहा था कि कुछ ना कुछ हाथ पे रखो और लेके जाओ मैं अपनी जिम्मेदारी पे, और उस वक्त मुकरना कि अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो वो भी तो जलालत थी, तो मुझे तो वो भी जलालत लग रही थी। अगर आपके ख्याल से वो जलालत नहीं, तो फिर तो मुझे नहीं पता कि जलालत क्या होती है। लेकिन अगर जो उस दिन जज ने मुझे कहा, अगर वो जलालत समझते हैं, तो फिर तो जो आपको कहा गया था वो तो मुझे बहुत बड़ी बड़ी जलालतें लगती हैं। हर बात पे बोलते थे ना, अल्लाह करे घर खराब हो जाए, घर खराब हो जाए, तो वो क्या घर खराब, खुश हैं आप तो बहुत खुश हैं। लेकिन एक बात याद रखना, घर खराब होने का दुख ना मैं सोशल मीडिया पे नहीं बयान कर सकती हूँ अपने, कि मेरे दिल में, वो मेरा अल्लाह जानता है। जब भी मेरे दिल में कोई बात होती है, मेरा दिल दुखता है, तो मैं कुछ ना कुछ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर लेती हूँ। लेकिन एक औरत जो होती है ना, बहुत नाजुक होती है, एक औरत बहुत नाजुक चीज़ होती है, उसको समझना ना सबके बस की बात नहीं है, औरत को समझना। तो वो नेक मर्द ही समझ सकता है अपनी बीवी को, अपनी इज्जत समझना। लेकिन आपने तो कभी मुझे इज्जत ही नहीं दी, हमेशा आपने जलालत की। अगर आप कभी, मैं ये नहीं बोलती कि आपने सारी ज़िंदगी मेरे साथ बुरा, अगर महीने में एक दिन आप मेरे साथ अच्छा करते थे ना, तो जो महीने के बाकी जो 29 दिन होते थे ना, वो मैं जलालत भुगतती थी। एक दिन आपका रवैया सही होता था, तो पूरा महीना आप मेरे साथ लड़ाइयों पर गुजारते थे। तो इस तरह करके बैड कॉमेंट्स करके ना, कुछ भी नहीं आप किसी का बिगाड़ सकते। और रही बात बच्चों को दवाई पिलाने की, नींद की, तो ये आप लोगों में होता है, हमारे में नहीं होता। अल्लाह का शुक्र है, पूरी पूरी रात नहीं सोई, पूरा पूरा दिन नहीं सोई, लेकिन ये हरकत तो कभी नहीं की। पूरी दुनिया के आगे मैं खड़ी हो गई अपनी औलाद की वजह से, अपनी औलाद के खातिर, कि मैं नहीं पिला सकती पोलियो, क्योंकि मेरे बच्चों को साइड इफेक्ट हो रहे थे, पोलियो की वजह से साइड इफेक्ट हो रहा था मेरे बच्चों को, बहुत ज़्यादा गंदा साइड इफेक्ट हो रहा था, क्योंकि पूरी एलर्जी से भर चुका था। पुलिस आई थी, रेंजर्स, पूरा सब लोग आए थे, बट मैंने कहा था नहीं पिलाना, तो बस क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है यार, अपनी औलाद से बढ़कर थोड़ी है वो पोलियो, क्योंकि बच्चे को साइड इफेक्ट हो रहा था। एक डॉक्टर भी हो ना, तो वो सबसे पहले कहता है कि अगर आपके बच्चे को साइड इफेक्ट हो रहा है, तो आप वो चीज़ लोग अवॉइड करो उस चीज़ से। तो मैं माँ हूँ, मुझे बेटर पता है। तो उस दिन भी आपने मुझे यही कहा था ना, अपना जो ना बाल पोछरा लो और मेरे घर से निकलो, दफा हो जाओ, बुरका पहनो, दफा हो जाओ। तो यार अगर आपने मुझे खुश रखा हुआ था, तो ये बातें फिर क्या थी यार। देखे मेरा मुँह नहीं खुलवाए, अगर मैं करने पर आऊँ ना, तो इतनी बातें ना दास्तान ही दास्तान है, और मुझे मजबूर ना करें। लेकिन अगर जिस तरीके की हरकतें चल रही हैं ना, मुझे लगता है मुझे सारी दास्तानें खोलनी पड़ेंगी, सारी दास्तानें मुझे खोलनी पड़ेंगी। तो इस वजह से बोल रही हूँ कि पहल ना करें, पहल कर रहे हैं इस दफ़ा भी आप,
शुरू से आप पहल करते हैं, आप पहल करते हैं तो अभी भी आपकी पहल हो रही है, तो फिर जब इस तरह कर रहे हैं ना तो फिर प्लीज़ बाद में फिर और मजीद नाराज ना होना कि ये क्या किए। तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, हमारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है, अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और मैं अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के साथ खुश हूँ। मेरी छोटी सी ज़िंदगी है, मेरे माँ बाप है, मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह से, मुझे किसी चीज़ की कोई ना लालच है ना किसी चीज़ की, मैं बस बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत करना चाहती हूँ और वो मैं करूँगी इंशाल्लाह, और मेरा अल्लाह मेरे साथ है यार। तो व्यूअर्स ये पैगाम जिनके लिए मैंने दिया है वो समझ ही जाएंगे, तो कुछ ये प्रॉब्लम चल रही है तो फिलहाल तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इतने प्यार करने वाले लोग मेरे साथ हैं ना, तो मुझे ऐसे लोगों की किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। जिस तरह मुझे सपोर्ट कर रहे सारे, तो जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनका तो मैं दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करती हूँ। तो व्यूअर्स ये तो आप लोगों को भी पता है कि एक जो औरत होती है ना वो ऐसे कभी भी अपना घर नहीं खराब करती है, व्यूअर्स बहुत मजबूर होकर वो कोर्ट तक जाती है, और मैं भी बहुत मुश्किलों से और बहुत बहुत दिल में पत्थर रखे मैं कोर्ट तक गई हूँ, क्योंकि मुझे कोर्ट में पहुँचाया गया था, क्योंकि जिसको मैं अपना सरबराह समझती थी ना उन्होंने मुझे कोर्ट तक पहुँचाया है। तो इंशाल्लाह मैं एक दिन आप लोगों के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करूँगी। इंटरेस्टिंग वीडियो ये है कि किस वजह से डिवोर्स हुई है, तो डिवोर्स किस वजह से हुई है, किन किन मसलियत की वजह से, मसलों की वजह से मेरी डिवोर्स हुई है, तो मैं आप लोगों के साथ वो ज़रूर वीडियो बना के एक अलग सी वीडियो बना के शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह तो नेक्स्ट वीडियो में ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी डिवोर्स किस वजह से हुई, तो नेक्स्ट वीडियो को आप लोग मिस ना कीजिएगा। और यहाँ पे तो इल्ज़ाम लग रहे हैं कि बच्चों को मैं इसलिए लाई हूँ फेमस होने, अरे बच्चे तो तुम लोगों ने छीने थे मुझसे, तुमने पहले सामान लेने बुलाया था मुझे, ठीक है मैं जाती हूँ वहाँ पे, मैंने कहा चलो सब ठीक हो जाएगा, ये मुझे रोक लेंगे कि मेरे पास भी नहीं आते, कि अम्मा आके कहती है कि निकलो सामान लेके घर खाली करो, तो हर बात पे व्यूअर्स हर बात पे घर से निकलो, अपना बाल मसला उठाओ, मेरा घर खाली करो। तो वेलकम बैक व्यूअर्स, तो बच्चे कह रहे थे मम्मा बाहर लेके चलो बाहर लेके चलो, तुम कह रहे थे, तो मैंने कहा चलो बच्चों को लेके चलती हूँ बाहर एक चीज़ दिलाती हूँ, तो आप लोग हमारे साथ चलें, बच्चों को चीज़ दिलाने लेके जा रही हूँ। तो व्यूअर्स फाइनली अभी रात के कितने बज रहे हैं, 8:30 होने वाले हैं, और उसके बाद खाना वाना खा के मैं सो गई थी, और फिर जो भी मेरा काम था वो मैंने सब कर लिया। इसके अलावा आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगेन मैं कह रही हूँ कि जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत 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 थैंक यू सो सो मच दिल से, और इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। तो आप लोगों का प्यार देख के ना मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि जो लोग मेरे अगेन गलत वीडियो बना रहे हैं और मुझे गलत कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि बेहतर सिर्फ अल्लाह को पता है, और अल्लाह ने हर मुश्किल वक्त में अल्लाह ने मेरा साथ दिया है, और कभी भी मुझे मेरे अल्लाह ने ना रुस्वानी होने दिया है, और इंशाल्लाह अल्लाह जब तक ना चाहे ना तो कोई भी किसी की कोई चीज़ नहीं बिगाड़ सकता। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक का लाख 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 शुक्र है कि अल्लाह पाक का बहुत बहुत करम है कि अल्लाह ने मेरी मुश्किलें आसान की है, और अल्लाह पाक मेरी मुश्किलें आगे भी आसान करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ, और बस दुख तो इंसान को होता है दिली दुख के इतना सब कुछ हुआ है, और इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी अगर आपके साथ इतना बुरा होता है और फिर भी आप इतने जो ना मजबूत बन के सारी चीज़ों का मुकाबला करो, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप लोग मिस ना कीजिएगा। डिवोर्स किस वजह से हुई है तो वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, और इस वक्त मेरे बच्चे माशाल्लाह से ये देखे नानी के साथ खेल रहे हैं बैट बॉल। असद देखो अहमद तो माशाल्लाह मेरे बच्चे खेल रहे हैं इस टाइम। तो कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तो वीडियो को करते हैं एंड, तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।